प्रूव दैट 3 cos inverse x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए हम RHS को ले लेंगे। RHS इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x। नाउ यहां पर हम x के प्लेस पर x को cos थीटा पुट करेंगे। देखिए कैसे, पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा, विच इम्प्लाइज कि जो थीटा है, cos को इधर ले आएंगे, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यहां पे पुट कर देंगे तो cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x। ओके, cos थीटा पुट होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 4cos³θ - 3cos θ। नाउ हम एक फॉर्मूला जानते हैं, cos³θ इज इक्वल टू 4cos³θ - 3cos θ। यहां पे हो जाएगा cos³θ, cos इनवर्स ऑफ cos³θ। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 3θ। थीटा किसके इक्वल है? cos इनवर्स x के। सो 3cos inverse x। आप चेक करें, एग्जैक्टली हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। आप बोलोगे इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ। तो हमने RHS को LHS के इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, एंड फिर आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं।